हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ हाई ग्रोइंग स्मॉल कैप कंपनी की स्टॉक को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मार्केट में हाई सीएजीआर से रिटर्न बनाना है, मल्टीबैगर रिटर्न बनाना है या वेल्थ क्रिएट करना है, तो जिस कंपनी का बिजनेस हाई सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, उस तरह की स्मॉल कैप कंपनी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके आपका भी रिटर्न हाई सीएजीआर से बनेगा। क्योंकि एक कंपनी का बिजनेस ही सब कुछ होता है। अगर कंपनी अच्छी तरह से रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, अच्छी तरह से प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, मतलब हाई सीएजीआर से, तो आपका रिटर्न भी हाई सीएजीआर से बनता ही जाएगा कंटिन्यूअसली। मतलब कंपनी का बिजनेस खराब तो आपका रिटर्न खराब, कंपनी का बिजनेस अच्छा तो आपका रिटर्न भी अच्छा है। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे, जो फ्यूचर में इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। सारे कंपनी फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एडुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार कंसल्ट जरूर करें जो सेबी रजिस्टर्ड है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड, इसीलिए पर्टिकुलर डायरेक्ट किसी स्टॉक के ऊपर बाई सेल कॉल रिकमेंड नहीं कर सकता। मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ एडुकेशन पर्पस के लिए। आप नाम जान सकते हैं हमारे पास, आप अच्छी तरह से रिसर्च कीजिएगा, जो कंपनी का नाम हम बोलेंगे, ठीक है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए जल्दी से सारे कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं एंड टेक्निकल के बारे में भी जान लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो विदाउट स्किप वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती थी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अगर आप सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड। एक्सीलेंट प्लेयर है इंडस्ट्री का, लार्जेस्ट प्लेयर आप कह सकते हैं शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड को। 4,472 रुपीस पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है। बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन के अंदर ये स्टॉक अभी मार्केट में मिल रहा है। देखिए, शायद आप सोचोगे कि कंपनी का शेयर प्राइस 4,000 रुपीस से ऊपर चला गया, सस्ता कैसे हो गया। नहीं दोस्तों, आप किसी कंपनी के प्राइस से आप वैल्यूएशन डिसाइड मत कीजिएगा। एक कंपनी का वैल्यूएशन उसके रेवेन्यू से होता है, उसके प्रॉफिट से होता है, मैनेजमेंट के गाइडेंस से होता है। मतलब आगे किस तरह से कंपनी परफॉर्म करेगा, किस परसेंटेज से बिजनेस ग्रो करेगा, उस हिसाब से वैल्यूएशन निकाला जाता है, ना कि कंपनी के शेयर प्राइस से। ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ 4,400 रुपीस चल रहा है। मतलब आप ये मत समझिएगा कि कंपनी तो बहुत महंगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एज ए प्राइस हाई हो सकता है, लेकिन कंपनी बिल्कुल भी महंगा नहीं है। एंड शक्ति पंप लिमिटेड एक्चुअली काम क्या करता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पंप मोटर मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब वाटर पंप्स मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है, जो कि बहुत सारे इंडस्ट्री में कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। जैसे कि कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो इरिगेशन सेक्टर में यूज होता है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में यूज होता है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में भी कंपनी का मोटर यूज होता है, एंड कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी कंपनी का एप्लीकेशन यूज किया जाता है, शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। और वाटर सेक्टर, ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, आगे 10-15 सालों तक वाटर सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसका पूरी तरह से प्रॉक्सी प्लेयर, मतलब अगर वाटर सेक्टर ग्रो करेगा, शक्ति पंप लिमिटेड का बिजनेस भी ग्रो करता जाएगा। मतलब पूरी तरह से प्रॉक्सी प्लेयर शक्ति पंप लिमिटेड बन सकता है वाटर सेक्टर के लिए। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी इरिगेशन के लिए सोलर पंप मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सोलर में जो पंप चलता है उस तरह का पंप मैन्युफैक्चरिंग करता है, सोलर सेक्टर ग्रो कर रहा है। इसका सीधा सीधा फायदा शक्ति पंप लिमिटेड को मिलने वाला है। तो पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड का। चलिए एक बार कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जस्ट 8,900 करोड़ का कंपनी है, 10,000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है। इन फ्यूचर इधर से मार्केट साइज 30,000 करोड़ जा सकते हैं, 3 गुना इंक्रीज 4 गुना इंक्रीज हो सकता है। एंड स्टॉक का पी जस्ट 38 पे चल रहा है, पूरा इंडस्ट्री देखिए 45 पे है। मतलब इधर से अगर पी इन फ्यूचर 45 या 50 पे भी चला जाता है शक्ति पंप लिमिटेड का पी, तब भी शक्ति पंप लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा। और अपने लाइफ टाइम हाई से देखिए ऑलमोस्ट ये स्टॉक 12% डिस्काउंट पे भी मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे है। इस साल कंपनी ने 233 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं 1.19 चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ईपीएस के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि शक्ति पंप लिमिटेड का जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए डेट बैलेंस शीट में दिखा रहा है।
बहुत ही लोडेड कंपनी, एक्सट्रीम लोडेड कंपनी आप शक्ति पंप लिमिटेड को कह सकते हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.11, मतलब एक एक्सट्रीम लोडेड कंपनी शक्ति पंप लिमिटेड। प्रोमोटर के पास 51% से भी ज्यादा का शेयर है, मैक्सिमम शेयर प्रोमोटर के हाथ में है, प्लेज्ड करके नहीं रखकर। बड़े इन्वेस्टर भी स्टॉक को लेकर बहुत पॉजिटिव है। देखिए एफआईआईस पहले कुछ भी स्टॉक होल्ड नहीं करता था, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करते करते 2% से भी ज्यादा का स्टेक इंक्रीज किया है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज किया है एफआईआईस ने। एंड डीआईआईस की बात करूं 6.85% स्टेक डीआईआई के हाथ में है, एंड पब्लिक के पास 39% स्टेक है, और ये जो प्रोमोटर कंटिन्यूअसली देखिए 50% से ही ऊपर का शेयर होल्ड कर रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। मतलब शक्ति पंप लिमिटेड को लेकर बड़े इन्वेस्टर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है, साफ साफ इधर में क्लियर हो जाता है। रिटर्न देख सकते हैं, पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न 83.3%, पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 75%। मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो शक्ति पंप लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, इस स्टॉक से पैसा छाप रहे हैं। एवरी ईयर इन्वेस्टर का पैसा डबल हो रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिटर्न बोलिए चाहे वो शॉर्ट टर्म रिटर्न बोलिए। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए डबल डिजिट पे चल रहा है, मतलब बहुत ही हाई सीएजीआर से शक्ति पंप लिमिटेड का बिजनेस जो ग्रो कर रहा है। नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टेक्निकल क्या बोल रहे हैं, स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है, मैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूं। लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रांग है, स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से इधर में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए स्टॉक का नीचे से काफी ज्यादा ऊपर चला गया है, इसीलिए थोड़ा बहुत गिरावट भी स्टॉक को खरीदना है, करंट मार्केट प्राइस पे नहीं। देखिए स्टॉक अगर इस लेवल पे आता है, मतलब मौजूदा सिचुएशन से स्टॉक अगर ऑलमोस्ट आपको 13-15% और भी डिस्काउंट में मिलता है, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आपका जो प्राइस होगा 3830, इस लेवल पे शक्ति पंप लिमिटेड में एक फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। बट हाँ, अगर इस प्राइस से अगर ऊपर चला जाता है तो आप बाई नहीं करेंगे, डेफिनेटली बाई करेंगे। स्टॉक को अगर ब्रेकआउट देता है, मतलब 4700 पार चला जाता है, तो इस प्राइस पे भी स्टॉक में एंट्री किया जा सकता है। बट फ्रेश एंट्री तो मुझे लग रहा है 12-13% डिस्काउंट पे ही करना चाहिए, ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है अभी शक्ति पंप लिमिटेड का। नेक्स्ट कंपनी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सलेंट प्लेयर है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भी अपनी इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है। 820 रुपीज पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तेलंगाना में कंपनी का फैक्ट्री है। एक्चुअली हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखिए पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस तरह का पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हरिओम पाइप्स लिमिटेड कंपनी, माइल्ड स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग करता है, माइल्ड स्टील ब्लेड्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, हॉट रोलेट कॉयल मैन्युफैक्चरिंग करता है, साथ साथ सैक फ्लोडिंग सिस्टम भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रोडक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कामों के लिए यूज होता है। कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो पावर प्लांट लगाने के लिए यूज होता है, किसी भी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है। मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर का भी प्रॉक्सी प्लेयर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन सकता है, पावर सेक्टर का भी प्रॉक्सी प्लेयर बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का भी प्रॉक्सी प्लेयर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड बन सकता है। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, और इंफ्रा पावर इंजीनियरिंग ये सारे सेक्टर ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है इस तरह के सेक्टर के अंदर है, इसलिए हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, और वैल्यूएशन भी अभी ठीक ठाक मिल रहा है। चलिए एक बार कंपनी के फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। देखिए जस्ट अभी 2300 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2000 करोड़ का कंपनी है जस्ट अभी। इधर से मार्केट कैप अगर 5-6 हजार करोड़ भी चला जाता है तो इन्वेस्टर का फंड जो लगाया है वो 3-4 गुना हो जाएगा आराम से, एंड 40 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। देखिए स्टॉक अपने 52 हाई से ऑलमोस्ट 8% डिस्काउंट पे मिल रहा है, 8% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे है। इस साल कंपनी ने 58 करोड़ से भी ज्यादा का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है, एंड कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं 20 पे चल रहा है, और ईपीएस सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ही ग्रोथ कर रहा है। इसीलिए डेट की बात करूं 372 करोड़ का डेट इधर में दिखा रहा है, बहुत ही लोडेड कंपनी है क्योंकि देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.80, मतलब लोडेड कंपनी आप कह सकते हैं। प्रोमोटर के पास 57% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है, मैक्सिमम शेयर प्रोमोटर के हाथ में है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए एफआईआईस देखिए, पहले तो 2% स्टेक होल्ड करता था हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर, आज के टाइम एफआईआई के पास 10% से भी ज्यादा का शेयर है। मतलब एफआईआई हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर 5 गुना स्टेक इंक्रीज कर दिया है।
DIIs देख सकते हैं 0.16% स्टेक होल्ड कर रहा है एंड पब्लिक के पास 32.59% स्टेक है, मतलब बड़े इन्वेस्टर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर बहुत पॉजिटिव है। रिटर्न हिस्ट्री में आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि हरिओम पाइप लिमिटेड अभी 3 साल नहीं हुआ है मार्केट में लिस्टिंग हुए। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ओवर द 3 इयर्स, एवरेज 3 इयर्स की बात कर रहा हूँ, वो 65% से ऊपर चल रहा है, चाहे वो सेल्स ग्रोथ बोलिए चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ बोलिए, बहुत एक्सीलेंट एक्सट्रीम हाई CAGR से हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो है वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है ये। तो नो डाउट कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे। चलिए एक बार कंपनी के टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। हरिओम पाइप का टेक्निकल देखिए, चार्ट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, पहले तो कुछ टाइम डाउन ट्रेंड पे था लेकिन अभी देखिए स्टॉक के अंदर एकदम तेजी बना हुआ है, बट स्टॉक ऊपरी लेवल से अच्छा खासा ऊपर चला गया है, स्टॉक को नीचे आने दीजिए, ठीक है। स्टॉक अगर आपको इस लेवल पे मिल जाता है, ये जो लेवल है 739, इस लेवल पे मिल जाता है मौजूदा सिचुएशन से, स्टॉक अगर आपको ऑलमोस्ट और भी 9-10% डिस्काउंट पे मिलता है तो हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में एक बार और फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए क्या नीचे आता है, 10% और डिस्काउंट होता है तब आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहे तो हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आप SIP वाइज धीरे धीरे करके भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इधर में वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, देखिए वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये, कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये सब कुछ फ्री हो जाएगा, सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके फायदा आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट कंपनी का नाम है RR केबल लिमिटेड, बहुत बेहतरीन कंपनी इंडस्ट्री का RR केबल लिमिटेड, इन फ्यूचर पॉलीकैप का बराबरी कर सकता है RR केबल लिमिटेड। 1614 रुपीस पे शेयर प्राइस अभी मार्केट में चल रही है, 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, मार्केट एक्वायर कर रहा है RR केबल लिमिटेड। RR केबल लिमिटेड एक्चुअली इलेक्ट्रिक वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग करता है, साथ साथ कंपनी FMEG प्रोडक्ट मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसमें से LED लाइट हो गया, स्विच गियर हो गया, वाटर हीटर हो गया, और भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है RR केबल लिमिटेड। पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो कंज्यूमर सेक्टर में है, और कंज्यूमर सेक्टर अगर ग्रो करेगा RR केबल लिमिटेड जिस तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मतलब कोई रुकने वाला नहीं है, ग्रोथ होगा ही, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। चलिए जल्दी से कंपनी के एक बार फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। देखिए मार्केट कैप देखिए 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ जा सकते हैं इन फ्यूचर। स्टॉक का पी 63 पे चल रहा है, 52 हाई से ये स्टॉक अभी देख सकते हैं 15% डिस्काउंट पे भी मार्केट में मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% क्रॉस कर गया है, जो कि बहुत अच्छा रेशियो माना जाएगा। इस साल कंपनी ने 287 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल कंपनी है RR केबल लिमिटेड। ईपीएस की बात करूं 25 चल रहा है, सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ईपीएस के अंदर देखने को मिल रही है, डेट 360 करोड़ का है, बहुत ही लो डेट कंपनी है RR केबल लिमिटेड, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.20, मतलब एकदम लो डेट कंपनी, एक्सट्रीम लो डेट कंपनी, 1 से काफी नीचे चल रही है। इसीलिए प्रोमोटर के पास 61% से ज्यादा का शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है, और बड़े इन्वेस्टर भी स्टॉक को लेकर बहुत पॉजिटिव है। देखिए प्रोमोटर तो कंटिन्यूअसली 60% से ऊपर का शेयर होल्ड कर रहा है, FIIs देख सकते हैं 6% से भी ज्यादा का शेयर होल्ड कर रहा है, FII लगातार स्टेक को इंक्रीज कर रहा है RR केबल लिमिटेड। DIIs भी देख सकते हैं 13% स्टेक को होल्ड कर रहा है, और DIIs भी लगातार स्टेक इंक्रीज कर रहा है RR केबल लिमिटेड में, मतलब कुछ तो बात है, बड़े इन्वेस्टर क्यों पैसा लगा रहा है, आप दिमाग लगाइए, पैसा लगा दीजिए, पैसा बनेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म का खेल है, जल्दी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा बन सकता है RR केबल लिमिटेड से। पब्लिक के पास जस्ट 18% स्टेक है, और पब्लिक लगातार स्टेक को कम कर रही है, और बड़े इन्वेस्टर लगातार स्टेक को बढ़ा रही है, कितना पॉजिटिव पॉइंट है ये आप देख सकते हैं। एंड किसी के पास एक भी शेयर प्रोमोटर ने प्लेस्ड भी करके नहीं रखा है, पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 30% क्रॉस कर चुका है, बहुत ही हाई CAGR से RR केबल लिमिटेड का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है, फंडामेंटल नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह की कंपनी बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं फ्यूचर में। चलिए एक बार टेक्निकल के बारे में देखते हैं, टेक्निकल थोड़ा सा स्लाइडली डाउन चल रहा है, स्टॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड है,
अभी थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, देख सकते हैं वॉल्यूम भी ड्राई हो गया है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत और भी नीचे आ सकता है। अगर आरआर केबल लिमिटेड का प्राइस 1518 पे लेवल पे अगर आरआर केबल लिमिटेड का स्टॉक मिल जाता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाई हो सकता है, बट नीचे आएगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर बाई चांस स्टॉक ऊपर चला जाता है तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट, तब भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक ब्रेकआउट पे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। देखिए स्टॉक अगर बाई चांस 1740 के पार चला जाता है या 50 के पार चला जाता है तब भी एक फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है, क्योंकि मेजर ब्रेकआउट होगा 1750 के पार। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है आरआर केबल लिमिटेड का। दोस्तों ये था तीनों स्टॉक जो आपने हमने सेक्टर में बहुत बढ़िया कामकाज कर रहे हैं। सारे कंपनी का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आगे चल के मुझे लगता है एक्सीलेंट रिटर्न बन सकता है ये सारे स्टॉक से। इनमें से आपको कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये सब कुछ फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके फायदा आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए, लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।